शहर के नामचीन एसआर इंटरनेशनल स्कूल में वॉलीबॉल पोस्ट से टकराने से 12 वर्षीय छात्र की असमय मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले छात्र स्कूल के मैदान में खेलने गया था। इसी दौरान वह वॉलीबॉल पोस्ट से झूलने लगा, तभी वॉलीबॉल पोस्ट उसके ऊपर गिर गई, जिससे बच्चे के सिर में चोट लग गई। बाद में स्कूल प्रबंधन ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उस छात्र की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर छात्र की मां ने बताया कि उनके बेटे को स्कूल वालों ने बारिश के दौरान खेलने को भेज दिया। उनका बेटा स्कूल में वॉलीबॉल पोस्ट पर खेलने लगा, इसी बीच वॉलीबॉल पोस्ट उसके ऊपर गिर गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्र की मां की मांग है कि प्रशासन स्कूल को बंद कराए। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मामले पर कार्रवाई कराने से मना कर दिया है, तो वहीं स्कूल पक्ष ने भी मामले पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। कौन से स्कूल में? एसआर इंटरनेशनल। सर, क्या हुआ था? बारिश हो रही थी और उन लोगों ने बच्चों को फील्ड में खेलने को भेज दिया। वहाँ जो पोल लगा हुआ है मूवेबल पोल है, और बेटा मेरा लटक रहा था। अगर वो पोल मूवेबल है तो वहाँ पे किसी एक को होना चाहिए था, किसी कोच को। और एसआर वाले कहते सबसे ज्यादा कोच मेरे एसआर में है, सबसे ज्यादा स्पोर्ट टीचर। और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, एक भी स्पोर्ट टीचर नहीं था। और वो झूलते झूलते पूरा पोल मेरे बेटे के ऊपर गिर गया। कौन सी क्लास में पढ़ता था? सेवेंथ में। कितने साल का था? 12 साल का। और आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करती हैं? ऐसा स्कूल बंद करवाए, बंद हो ऐसा स्कूल। मैं छोटी थी, इसके पहले भी फ्रैक्चर हुआ था उसका 6 दिसंबर को उसी स्कूल में, उसी ग्राउंड पे। और उससे पहले भी कितने बच्चों के हो चुके हैं। रूमा गोयल क्या समझती है अपने आप को? ठीक। नागपोल न्यूज में आपका स्वागत है, मैं रविंदर सिंह। इस वक्त हम है राम वाटिका गेट नंबर 2 पर है। यहाँ पर एक एसआर जो स्कूल है वहाँ पे एक बच्चा जो है स्कूल के अंदर एक्सपायर हो चुका था। और यदि उनके परिजनों से बात की, यदि बच्चे की बात की जाए, और बच्चा जो था 7वीं क्लास में पढ़ता था और 12 साल की एज बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और परिजन इस वक्त कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और परिजनों का आरोप है कि जल्द से जल्द स्कूल बंद किया जाए, और जो स्कूल की व्यवस्था देखे। और परिवार वालों का कहना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है वो कह रहे हैं कि ऐसे ही गिरकर चोट लगी है। यदि बात की गई परिवार वालों से, और उन लोगों का सीधा आरोप है कि स्कूल के जो भी दिक्कत हुई है, जो भी मृत्यु हुई है, उसका स्कूल और स्कूल जो स्टाफ है वो जिम्मेदार है। और मैं रविंदर सिंह, नापतोल न्यूज, बरेली।